चैप्टर सेकेंड, डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स रेयर्ड बाई अस फॉर आवर बेनिफिट आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वे जानवर जो हमें लाभ पहुंचाते हैं उन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोवाइड अस इटेबल्स एंड अदर थिंग्स। घरेलू जानवर हमें खाद्य पदार्थ और कुछ अन्य वस्तुएं देते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज। घरेलू जानवर हमें कई तरह से सहायता देते हैं। एनिमल्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। जानवर कई प्रकार से हमें मदद देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज वी कैन डिवाइड देम इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इनके प्रयोग के आधार पर हम इन्हें कई भागों में बांट सकते हैं। डेयरी एनिमल्स, दुधारू जानवर। सम एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क। कुछ जानवर हमें दूध देते हैं। वी कॉल देम डेयरी एनिमल्स। उन्हें हम दुधारू जानवर बुलाते हैं। मिल्क इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कर्ड, बटर, घी, चीज, आइसक्रीम, स्वीट्स एक्सेट्रा। दूध से हम दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, मिठाई इत्यादि बनाते हैं। एग गिविंग एनिमल्स, अंडे देने वाले जानवर। सम बर्ड्स प्रोवाइड अस एग्स। कुछ पक्षी हमें अंडे देते हैं। एग आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन। एग में प्रोटीन और विटामिन होते हैं। वी ईट एग्स, हम अंडे खाते हैं। मीट गिविंग एनिमल्स, मांस देने वाले जानवर। सम एनिमल्स प्रोवाइड अस मीट। कुछ जानवर हमें मांस देते हैं। नॉन वेजिटेरियन ईट द मीट ऑफ फिश, कॉक, गोट, शीप, पिग एक्सेट्रा। मांसाहारी मछली, मुर्गा, बकरी, भेड़, सुअर इत्यादि खाते हैं। हनी गिविंग एनिमल्स, शहद देने वाले जानवर। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम द बीव। मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। हनी इज अ हेल्दी फूड आइटम फॉर अस। शहद एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है। वूल एंड सिल्क गिविंग एनिमल्स, ऊन और रेशम देने वाले जानवर। वी गेट वूल फ्रॉम हेयर ऑफ द शीप। हमें भेड़ के बाल से ऊन मिलता है। रेशम हमें रेशम कीट से मिलता है। एनिमल्स हु हेल्प फार्मर, किसान के प्रयोग में आने वाले जानवर। सम एनिमल्स हेल्प द फार्मर्स ऑन देयर फार्म्स। कुछ जानवर जो किसान के उनके खेती करने में मदद करते हैं। फार्मर टेक्स हेल्प ऑफ बुल एंड कैमल फॉर फार्मिंग। किसान खेती करने में बैल या ऊंट का सहायता लेता है। ही यूजेस बुलॉक कार्ट फॉर टेकिंग वेजिटेबल ग्रेन एक्सेट्रा। सब्जी और अनाज मार्केट को बाजार ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करता है। सम एनिमल्स लाइक काउ बफेलो प्रोवाइड अस डंग केक फॉर प्रिपेयरिंग नेचुरल मैन्यूर एंड फ्यूल। कुछ जानवर जैसे गाय भैंस के गोबर से हमें प्राकृतिक खाद और उपले प्राप्त होते हैं जिससे ईंधन मिलता है। काउ डंग केक इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग मीथेन गोबर गैस। गाय के गोबर से मीथेन या गोबर गैस बनता है। पैक एनिमल्स, सम एनिमल्स सच एज हॉर्स, बुल, कैमल, मूल एंड डोंकी आर यूजफुल फॉर केयरिंग लोड। कुछ जानवर जैसे घोड़ा, बैल, ऊंट, खच्चर और गधा, ये सब सामान ढोने के काम आते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल आर आल्सो यूजफुल फॉर राइडिंग। वह जानवर जैसे घोड़ा, ऊंट, ये सवारी करने के काम आते हैं। अदर यूजेज ऑफ एनिमल, जानवर के अन्य प्रयोग। डेड एनिमल्स हैव हार्ड स्किन, मरे हुए जानवर के त्वचा सख्त होते हैं। इट इज कॉल्ड लेदर, उन्हें हम चमड़ा कहते हैं। लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग शूज, जैकेट, पर्स एक्सेट्रा। चमड़े का प्रयोग जूता, जैकेट,
पर्स इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। हम मछली से कर्ड मछली तेल ले सकते हैं। पेट एनिमल्स, पालतू जानवर, कैट, डॉग, रैबिट, पैरट, पिजन आर आवर लवेबल पेट एनिमल्स। बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, तोता और कबूतर ये हमारे प्रिय जानवर होते हैं। वी कीप देम फॉर आवर सेफ्टी और एंटरटेनमेंट। हम इन्हें अपने सुरक्षा और मनोरंजन के लिए रखते हैं। पैरट कैन स्पीक लाइक अस, तोता हमारे जैसे बोलता है। डॉग्स कीप द बर्गल्स अवे, कुत्ता चोर को भगाता है। कैट गेट्स द माउस आउट ऑफ द हाउस, बिल्ली चूहे को घर से बाहर भगाती है। वी शुड नॉट अनॉय द एनिमल्स, हमें जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर देम, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। एज द एनिमल्स हेल्प अस अलॉट, जानवर हमारी बहुत सहायता करते हैं। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड देम, हमारी कुछ जिम्मेदारी है उनका देखभाल करना। नॉन लिविंग थिंग्स